नूर मुकदम कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत में सीसीटीवी कैमरे का ट्रांसक्रिप्ट जमा कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि नूर मुकदम ने जान बचाने के लिए पहली मंजिल से छलांग लगा दी। मुल्ज़िम ताहिर भी पीछे कूद गया और डपोच कर अंदर ले गया। एडिशनल सेशन जज अतार बानी की अदालत में जमा कराए गए ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक डीवीआर कैमरे का वक्त पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम से 35 मिनट एडवांस है। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक मतूला नूर मुकद्दस 18 जुलाई को रात 10:18 पर फोन सुनते हुए मुल्ज़िम के घर दाखिल हुई। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक 19 जुलाई रात 2:39 पर मुल्ज़िम ताहिर जाफर और मकतूला नूर मुकद्दम बैग लेकर गेट से निकलते नजर आते हैं। दोनों मेन गेट के बाहर टैक्सी में सामान रखकर दोबारा घर में दाखिल हुए। रात 2:41 पर नूर मुकद्दम इंतहाई घबराहट खौफ में नंगे पांव गेट की तरफ भाग कर आई। चौकीदार इफ्तिहार गेट को बंद करता नजर आता है। इस दौरान ताहिर जाफर घर से जल्दी में गेट पर आकर नूर मुकद्दम को डपोच लेता है। नूर मुकद्दम हाथ जोड़कर ताहिर जाफर की मिन्नत समाजित करती नजर आती है। ताहिर उसकी परवाह न करते हुए नूर मुकद्दम को खींच कर घर में ले जाता है। रात 2:46 पर ताहिर जाफर और नूर मुकद्दम घर से निकल कर मेन गेट पर आते हैं। गेट से बाहर गली में सामान वाली टैक्सी में दोनों बैठ कर जाते नजर आते हैं। रात 2:52 पर जाहिर और नूर मुकद्दम बैग लेकर उस घर में दाखिल होते हैं। मेन गेट पर इफ्तिहार चौकीदार घर के सहन में है। काले रंग का कुत्ता भी नजर आता। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक 20 जुलाई की शाम 7:12 पर नूर मुकद्दम फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाकर जंगले पर गिरे। नूर मुकद्दम के हाथ में मोबाइल फोन भी था। वो लड़खड़ाती हुई बैरूनी गेट पर आई। नूर मुकद्दम बाहर जाना चाहती थी मगर चौकीदार इफ्तिहार और मालिक गेट बंद करते नजर आते हैं। जाहिर जाफर घर के फर्स्ट फ्लोर के टेरेस से छलांग लगा कर ग्राउंड फ्लोर पर आया और दौड़कर नूर मुकद्दम को पकड़कर गेट पर बनी केबिन में बंद करता नजर आता है। जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का केबिन कॉल कर मोबाइल फोन छीनता नजर आता है। जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को केबिन से निकाल कर जबरदस्ती घसीट कर घर में ले जाता है। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक 20 जुलाई रात 8:06 पर थेरेपी वर्क्स की टीम घर के गेट से अंदर आती है। ये टीम रात 8:52 पर घर में दाखिल होने की कोशिश करती नजर आई। रात 8:55 पर यह टीम एक जख्मी को घर से बाहर गेट की तरफ ले जाती नजर आई।